फैटी लिवर। अगर आप में से भी किसी का फैटी लिवर आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। फैटी लिवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जो लिवर है उस पर फैट इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो फैट हमारे स्पाइसी फूड से हो या बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो, फैट इकट्ठा होने से लिवर भर जाता है, उसको फैटी लिवर कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक साइड पे हेल्दी लिवर आप देख रहे हैं और दूसरी साइड पे लिवर का साइज बढ़ा हुआ है और उस पर फैट जमा हुआ है, जिस वजह से लिवर की ग्रोथ बढ़ जाती है और फैट सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। फैटी लिवर के बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर होम्योपैथिक मेडिसिन आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम बात करते हैं फैटी लिवर क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीना। जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनसे उनका लिवर फैटी हो जाता है, लिवर की ग्रोथ बढ़ जाती है, फैट इकट्ठा हो जाता है। फैटी लिवर होने का दूसरा कारण है बाहर का खाना खाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना और फ्राइड स्टफ़ खाना, बहुत तला पदार्थ खाना, और जो लोग बहुत मिर्ची मसाले पसंद करते हैं उनके लिवर में भी प्रॉब्लम आ जाती है, सूजन आ जाती है और फैटी लिवर हो जाता है। फैटी लिवर का नेक्स्ट कारण है नॉनवेज खाना। जो लोग बहुत नॉनवेज खाते हैं और साथ में अल्कोहल लेते हैं उससे भी उनका लिवर फैटी हो जाता है और प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका लिवर फैटी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए अपने लिवर को रेगुलर चेक करवाते रहना चाहिए और खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक और मेन कारण है फैटी लिवर का हाइपरटेंशन। जिनको टेंशन रहती है, जिनको बहुत हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनका पेट खराब होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उनका लिवर भी फैटी जल्दी हो जाता है। इसलिए टेंशन कम से कम लिए और ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखें। अगर आप भी अल्कोहल लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, स्पाइसी फूड खाते हैं, डायबिटिक हैं या हाइपरटेंशन है आपको, तो आप ज़रूर एक बार सोनोग्राफी करवा के अपने लिवर की रिपोर्ट चेक कीजिए कि हेल्दी है या फैटी हो गया है। फैटी लिवर के कोई खास सिम्टम्स तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में पेट में दर्द होती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, इंडाइजेशन रहती है और वेट गेन हो जाता है या वेट कम हो जाता है। चलिए अब मैं बताती हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे फैटी लिवर को आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट से। होम्योपैथी में फैटी लिवर के लिए तीन मेडिसिन का लिक्विड बनाना है आपको, एक कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। पहली मेडिसिन है उसमें शेलिडोनियम मैजेस। शेलिडोनियम मैजेस आपको 30 ml लेनी है मदर टिंचर, डॉक्टर रेक्विक SPL की भी आप ले सकते हैं। इस मेडिसिन से आपको पेट में जिस तरह की भी इंडाइजेशन है, पेन है, कहीं पे भी अगर आपको भारीपन लगता है उसे ठीक करने में मदद करेगा। इस कॉम्बिनेशन की नेक्स्ट मेडिसिन है च्यूनान्थस वर्जिनिका, ये भी मदर टिंचर है, 30 ml में लेनी है, SPL या डॉक्टर रेक्विक के ले सकते हैं। इससे आपके लिवर के ऊपर जो भी फैट जमा है वो दूर हो जाएगा और पेन नहीं होगी और लिवर हल्का फील होगा, डाइजेशन भी अच्छी हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन की तीसरी मेडिसिन है फाइटोलाका बेरी, ये भी मदर टिंचर में लेनी है 30 ml में। इससे आपके जो लिवर में जो बैड सेल्स हैं, फैटी सेल्स हैं, वो रिमूव हो जाएंगे, फैट निकल जाएगा सारा और लिवर हेल्दी हो जाएगा। अब मैं बताऊंगी आपको इसको लेना कैसे है। आपको एक 100 ml की बॉटल लेनी है, खाली बॉटल, जो आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप से मिल जाएगी। उस 100 ml बॉटल में आपको तीनों मेडिसिन 30-30 ml डाल देनी है। तीनों मेडिसिन को मिला के 90 ml की बन जाएगी। तीनों को मिक्स करके ड्रॉपल वाली बॉटल लेनी है। उस बॉटल में जो जितना भी आपकी मेडिसिन मिक्स हुई है उसको आपने हाफ ग्लास वाटर में 20 ड्रॉप्स डाल के 3 टाइम पीने हैं, खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद। 3 बार पीने से आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा फैटी लिवर से। इसके बाद एक और मेडिसिन है कॉम्बिनेशन के अलावा, नक्स वोमिका 30, ये आपको होम्योपैथिक शॉप से लेनी है। अगर किसी को भी ब्लोटिंग है, पेट फुला रहता है, इंडाइजेशन है, कब्जी है, अपच रहती है, गैस बनती है, उसके लिए रात को 2 बूंद अपनी ज़ुबान पे डाल के सो जाना है, रिलैक्स होके सो जाना है। इससे आपकी पेट की हर तरह की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये होम्योपैथिक तीनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन और नक्स वोमिका आपको 1 महीने तक रेगुलर लेनी है और साथ में आपको हर तरह का परहेज करना है, कोई जंक फूड, कोई स्पाइसी फूड, अल्कोहल और कोई नॉनवेज नहीं खाना है। उससे ज़्यादा जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे और उसके बाद सोनोग्राफी करा के एक बार टेस्ट जरूर करवाइए कि आपको फैटी लिवर कितने % ठीक हो गया है। अगर आपको इसके अलावा किसी और प्रॉब्लम के बारे में भी, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।